ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में नीतीश सरकार ने एक बार फिर बड़े स्तर पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है और कई जिलों के डीएम बदल गए हैं। राज्य सरकार ने कुल 43 आईएएस अधिकारियों का बीते दिन ट्रांसफर किया। इस तबादले में भोजपुर, शिवहर, जमुई, लखीसराय, रोहतास, अररिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, किशनगंज, अरवल, मधेपुरा के साथ साथ कुल 12 जिले के जो डीएम हैं उनको बदल दिया गया है। इसके साथ ही 4 जिलों के पटना, मोतिहारी, शिवहर और गया में नए उपविकास आयुक्त यानी कि डीडीसी और 3 नगर निगम कटिहार, पूर्णिया और गया में नगर आयुक्त की जो तैनाती है वो की गई है। भोजपुर के डीएम राजकुमार को अब कंफेट का प्रबंध निदेशक बनाया गया है, जबकि पंकज कुमार को शिवहर के डीएम पद से हटा करके प्राथमिक शिक्षा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी मोहम्मद नैयर इकबाल को खान विभाग से उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और उनका ट्रांसफर करते हुए उन्हें खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश कुमार को जमुई के डीएम पद से हटाकर चकबंदी विभाग का निदेशक बनाया है और ऐसे कुल 43 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं बिहार के जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है। और इसी में मिथिलेश मिश्रा का भी नाम है। मिथिलेश मिश्रा को मध्याह्न भोजन से हटा करके लखीसराय का नया डीएम बना दिया गया है। तो आपके जिले का जो नया डीएम कौन है वो आप जान लीजिए, आपको जानकारी दे रहे हैं। रोहतास के डीएम नवीन कुमार को अब राज्य परिवहन आयुक्त का दायित्व सौंपा गया है। अररिया की बात करें तो अररिया की डीएम रही इनायत खान को निबंधक सहयोग समिति पटना में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब बड़े पैमाने पर आईएएस का तबादला किया गया है, जिसको लेकर के बिहार में देखिए कि हलचल काफी तेज है। बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जी हां, इस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब आरजेडी और जेडीयू में जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने इस पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पर जहां बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कहा है कि उद्योग को ऊंचाइयों ट्रांसफर पोस्टिंग का जो उद्योग है वो ऊंचाइयों पर है, तो कह दिया है वहीं पर कि चमचे अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग कराते रहते हैं। बिहार में तो माननीय नीतीश कुमार जी ने 17-18 वर्षों में वो सुई का कारखाना भी नहीं खोला, लेकिन इतना तो है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग पूरी अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी बुलंदियों पर है। चमचे बेलचे का चलता ही है, शागिर्द अपने हिसाब से स्थानांतरण पदस्थापन करते ही रहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जो लोग लाभ उठा रहे हैं उनका तो भाई पौ बारा है। इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार देखिए अनमैचोर्ड भी हो रहे हैं, कोई मानक नहीं, जब चाहा जिसको जहां चाहा हिला दिया, डोला दिया, तुरंत स्थानांतरण, तुरंत पदस्थापन, टाइम पूरा हुआ नहीं मिला, संग्रही भूमिका में रहे लेकिन गए नहीं वहां तक, तो स्वाभाविक तौर पर उनका तो वहीं जाना है। तो एक ही उद्योग है बिहार में, वो ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग, ये सर चढ़ के बोल रहा है का हो रहा है नहीं पता है सबको, सबको पता पर नीतीश जी को नहीं जानकारी है, तो इसके लिए तो बाकी लोग को तो पता ही ना है। वहीं शक्ति यादव के इस बयान पर अब जेडीयू की नेता दिव्यानी मित्रा का भी बयान आया। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के बयान दिया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने नेताओं के बयान पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेके शक्ति यादव जी का फिर से एक गूल झुलूल बयान आता है, मुझे समझ नहीं आता है। शक्ति जी का शायद प्रोजेक्ट ही है कि ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के बारे में बात करना। भाई एक समय आप ही लोगों के साथ थे, तब आप लोग बहुत तारीफ करते थे, अभी आपके साथ नहीं है तो आपको जो भी मन होता है आप मुँह उठा के बोल देते हैं। बेसिकली आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव अपना न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी पार्टी में अप्लाई कर रहे हैं, गमछा छोड़ के टोपी तो ये तो वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके इतने बड़े सब जो सो कॉल्ड नेता लोग हैं उनके भाषा का परिवर्तन वो नहीं कर पा रहे। और बार बार जो ये सुई की फैक्ट्री नहीं खोले सवाल करने वाले स्कैमिंग पार्टी के लोग जिनके ऊपर लैंड फॉर जॉब मामले से लेकर IRCTC स्कैम तक है, उनके मुंह से इस टाइप के बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपके तेजस्वी प्रसाद यादव नेता गमछा से टोपी की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपके जुबान वो सही नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक यू नीड अ क्लास फॉर दैट।
तो अब ट्रांसफर पोस्टिंग पे देखिए कि किस तरीके से आरजेडी और जेडीयू में बवाल मचा हुआ है। देवजानी मित्रा ने करारा जवाब देते हुए शक्ति यादव को ये कहा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव आजकल काफी बदलाव में लगे हुए हैं कि गमछा टोपी सब कुछ बदल रहे हैं आरजेडी का, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि वो अपने नेताओं के जो भाषा है, जो बयान है, उसको बदलने में नाकामयाब हो रहे हैं। वहीं शक्ति यादव को उन्होंने जमकर सुनाया। बता दें कि बीते दिन भी शक्ति यादव ने जब नीतीश कुमार पर तंज कसा था तो जेडीयू की तरफ से पलटवार सामने आया था। और अब देखिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में किस तरीके से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार में ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त में लगातार जितने भी आईएएस अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग जो बिहार में है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार कुल 43 आईएएस अफसरों का देखिए कि तबादला कर दिया गया है, जिसको लेकर के बिहार में सियासत काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और आप देख रहे थे शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।